દમન સચિવાલયમાં સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણના મુખ્ય કમિશનર દ્વારા વિકલાંગ લોકોના કલ્યાણ અને ઉત્કર્ષની પ્રગતિની સમીક્ષા બેઠક યોજી દિવ્યાંગો માટે થઈ રહેલ કામગીરીની સમીક્ષા કરાઈ હતી દમન સચિવાલયમાં સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણના મુખ્ય કમિશનર દ્વારા વિકલાંગ લોકોના કલ્યાણ અને ઉત્કર્ષની પ્રગતિની સમીક્ષા બેઠક યોજી દિવ્યાંગો માટે થઈ રહેલ કામગીરીની સમીક્ષા કરાઈ હતી दमन दीव दिव्यांगों प्रशासन द्वारा थी रहेल कल्याणकारी प्रगति समीक्षा सुधारणा करने आज दमन सचिवालय खाते दिल्ली थी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मुख्य कमिश्नर डॉक्टर कमलेश पांडे कलेक्टर संदीप कुमार सिंह सहित सहयोगी अधिकारी बैठक योजना

જેમાં પેન્શન શિક્ષણ વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર જેવા ક્ષેત્રોમાં શરતો સારી છે પરંતુ આરોગ્ય તપાસ પુનર્વસવાટ અને કર્મચારીઓની માળખાકીય સુવિધા જેવા વિસ્તારોમાં ઘણું કરવાનું છે આશા છે કે કેન્દ્રીય વહીવટ આ જરૂરિયાતોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે નક્કર પગલાં લેશે મેં આ દમન દીવ મેં સ્ટેટ રિવ્યુ કે લી આયા ઓગણીસો પચાનવે કે પીડબ્લ્યુડી એક્ટ કે सेक्शन 57 और आर पी डी एक्ट दो के सेक्शन 74 के अनुसार भारत सरकार को चीफ कमिश्नर की नियुक्ति करना उसका प्रोविजन है उसमें और चीफ कमिश्नर को डिसेबिलिटी में जो भी सरकार पैसे खर्च करती है उसकी मॉनिटरिंग करना दिव्यांगों कोई समस्या है कोई कंप्लेन है कोई ग्रीवांशज है तो उसको रिड्रेस करना यानी क्वासी जुडिशियल सिविल कोर्ट का पावर है तीसरा स्टेट में कानून कितना लागू हो रहा है उसको रिव्यू करना और चौथा एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना जो पार्लियामेंट में रखा जाता है ये चार मुख्य कार्य हैं मैं यहाँ स्टेट रिव्यू के लिए आया ये तीस महीने में, में मेरा ये बत्तीसवां स्टेट है रिव्यू का स्टेट में यहां पर चूंकि छोटा राज्य है दमन दीव मिलाकर के करीब ढाई लाख की आबादी है यहाँ गवर्नमेंट के सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट होना कठिन है क्योंकि ऑफिसर्स की भी कमी है यहाँ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए स्टेट कमिश्नर का फुल फ्लैश चार्ज कभी नहीं रहता है और यहाँ जो कलेक्टर हैं वही सेक्रेटरी भी हैं वही डायरेक्टर भी हैं और वही स्टेट कमिश्नर भी हैं हमारी पहली दस बजे से मीटिंग उनके साथ में हुई स्टेट में क्या कुछ चल रहा है क्या आवश्यकता और यहाँ महसूस हो रही है सिस्टम में क्या चेंज लाया जाए उसके बारे में वार्ता हुई और अभी सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ बैठ के यहाँ पर अनेक विषयों की चर्चा हुई है यहाँ की आबादी में दिव्यांगों की जो संख्या है करीब दो हजार है और इसमें इन्होंने उसमें करीब सत्रह को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया है ये अच्छी संख्या है भारत सरकार ने एक नई स्कीम यूडीआईडी की शुरुआत की है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इश्यू करना आपको पता है जो सामान्य सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के गवर्नमेंट इशू करती है राज्य सरकार वो केवल उस राज्य में लागू होता है लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए यूडी शुरू किया भारत सरकार ने यह यूडीआईडी सर्वत्र पूरे देश में सभी डिपार्टमेंट में लागू होगा और इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान नंबर एक पर हैं जिन्होंने करीब तीन लाख से ज्यादा यूडी डी जनरेट कर चुके हैं लेकिन यह छोटा राज्य भी सेकेंड फेज के स्टेट में था ट्रेनिंग यहाँ हो गई है लेकिन अपॉइंटमेंट कोऑर्डिनेटर का यूडी डी यहाँ भी करना है और यहाँ भी जल्दी शुरू इस प्रकार का भी सिस्टम यहाँ हो इसकी वार्ता हुई